मंगल मैत्री बच्चों, बेटा आज हम और एक रिवीजन वर्कशीट डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने जो डिस्कस की थी उसमें क्राइज ऑफ एनिमल्स थी, आज कुछ और क्राइज जो है एनिमल्स की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके आंसर्स मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिए थे, तो आई होप यू हैव कम्प्लीटेड दैट, कि आपने कर लिए होंगे। तो आज हम और कुछ क्राइज करने जा रहे हैं एनिमल्स की। सो क्वेश्चन इज मैच द क्राइज ऑफ दीज एनिमल, इनकी जो है हमें क्राइज को मैच करना है, जो कुछ नेम दिए गए हैं एनिमल्स के और साथ में उनकी क्राइज दी गई है। अब हमें क्या करना है, जो राइट आंसर है उसके साथ उसको मैच करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नंबर वन। सबसे पहले है माउस। माउस की जो क्राई है इसको स्क्विक कहते हैं। ये हमारी माउस की जो क्राई है उसको क्या बोलेंगे, स्क्विक। माउस को हमें किससे मैच करना है, स्क्विक से। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स की क्राई को हम क्या बोलते हैं, ने। हॉर्स की क्राई को क्या बोलते हैं, ने। तो हमें इससे मैच करना है। देन शीप। शीप की क्राई को हम क्या बोलते हैं, ब्लीट। शीप को हमें किससे मैच करना है, ब्लीट से। कैमल। कैमल की क्राई को हम क्या बोलते हैं, ग्रंट। सो हमें कैमल को किससे मैच करना है, ग्रंट से। सेम हेयर, कैट्स की क्राई को म्याऊं एंड स्नेक की क्राई को हिस। देन बर्ड की क्राई को चिर्प एंड डक की क्राई को हम किससे मैच करेंगे, क्वैक से। सो वंस अगेन वी विल सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। माउस की क्राई को कहेंगे स्क्विक। आपको लर्न और राइट दोनों करना है ये वर्क। माउस की क्राई को स्क्विक, हॉर्स की क्राई को ने, शीप की क्राई को ब्लीट, कैमल की क्राई को ग्रंट, कैट्स की क्राई को म्यू म्याऊं और स्नेक की क्राई को हिस, बर्ड की क्राई को चिर्प और डक की क्राई को क्वैक हम बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस वर्क। यू हैव टू राइट दिस, मैच दी कॉलम एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न दैम। इसको राइट भी करना और आपको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।